जबलपुर में दिन दहाड़े जिम संचालक पर फायरिंग करने वालों की पुलिस ने शिनाख्त कर ली है। अमित भसीन पर हमला करने वाले का नाम गोलू बताया जा रहा है, जो कि कुछ समय पहले तक उसके ही जिम में ट्रेनर था। हाल ही में किसी कारणवश उसने काम छोड़ दिया था। शहर के सिविक सेंटर में स्थित जिम में घुसकर गोलू ने अमित भसीन पर एक के बाद एक 6 गोलियां चलाई थी, जिसमें 2 गोली अमित को लगी थी और घटना के बाद से ही आरोपी फरार था। जिम में लगे सीसीटीवी कैमरे से पता लगाया गया कि हमला करने वाला गोलू है। जी भाई, 2 दिन पहले घटना हुई थी, अभी तक पुलिस कहां तक पहुंची है इस पूरे मामले में? अभी तक कंप्लेनेंट भी ये नहीं समझ पा रहा है कि इसके ऊपर क्यों हमला कराया गया या किया गया है। ये बात सही है कि ये पूर्व में इसके यहाँ ट्रेनर रहा है गोलू, जिसने गोली चलाई है, तो क्लियर हो गया। और अभी पूरी सुई इसी पर जाके अटकी हुई है कि जब ये गोलू पकड़ में आएगा तब इससे विस्तृत विधिवत पूछताछ की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आते हैं वो आपके नॉलेज में आ जाएंगे। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी आए हैं इसमें? हाँ, सीसीटीवी फुटेज से क्लियर हो गया है कि आक्रमण करने वाला, हमला करने वाला गोलू और अब्दुल खालिद रहा है। इसके जो भी ठिकाने वहाँ पर हम लगातार दबिश दे रहे हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल रही। कुछ इनाम वगैरह? हाँ, इसकी गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपये का इनाम घोषित कराया गया है। एस पी साहब के पास सबमिशन में है, एस पी साहब बाहर आज मिल गया। एक राशिद व्यक्ति का भी नाम आ रहा है सर उसमें कोई? हाँ, राशिद का नाम इस परिप्रेक्ष्य में आ रहा है कि वो गोलू का दोस्त है, लेकिन घटना में उसका इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने नहीं आया। और गोलू से पूछताछ के बाद जो भी फैक्ट्स होंगे, अगर गोलू से बातचीत के बाद उससे पूछताछ के बाद ये फैक्ट्स आते हैं कि राशिद भी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर इस घटना में इन्वॉल्व रहा है, तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। ये भी जाँच का विषय कि आखिरकार पिस्टल उसके पास कहाँ से आई है? हाँ, ये भी जाँच का विषय है, पिस्टल कहाँ से आई है। ये सारी बातें गोलू सारी जो जाँच है अभी गोलू के ऊपर आकर अटक गई, गोलू और अब्दुल खालिद के मिलते ही सारे पर्दे हो जाएंगे। भैया, अभी आप लोगों ने अमित भसीन से कल पूछताछ भी की थी, तो उन्होंने क्या बताया कि क्या वजह थी, आपकी कुछ क्यों दिया कि किस कारण से फायरिंग हुई? अभी अमित भसीन स्वयं भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके ऊपर क्यों हमला किया गया। जो भी बातें अभी तक उनके सामने आ रही हैं वो इतनी बड़ी वजह के रूप में नहीं है कि कोई उनके ऊपर इतना बड़ा हमला करे। पैसे, प्रॉपर्टी का लेते हैं अभी तक ऐसा कोई भी तथ्य प्रकाश में नहीं आया।